लाखों जने करवाए और घुटने देखने में कोच नहीं था, लेकिन बाद के हालात ऐसे आए कि कभी कमजोर पड़ गई। जो नया नया का वाक्य हुआ उसके बाद अधिक कमजोर हुई और तकरीबन जो मतलब बहुत ही मालूम हो गई थी, लेकिन इस नौजवान ने दोबारा आके तहरीक को इतनी जला बख्शी। वो कश्मीरियों के अंदर एक बहुत ही मकबूल नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान था, एक नए बदल में नए जोश के साथ, और उसने आज़ादी के लिए उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं जिसका नौजवान असल को उसने निर्धार किया। मैं समझता हूँ उससे पहले मैं समझता हूँ भूल चुके थे आज़ादी की इस जज्बे को, और क्योंकि एक जनरेशन खत्म हो चुकी थी और दूसरी जनरेशन में वो आज़ादी का नाम नहीं ले रही थी। तो इस नौजवान ने लोगों को शोर बख्शा, अपनी जान दे के, और आज हमें जो ये सबक भी है इस नौजवान को इसके साथ जो इसके रास्ते में चलते हुए जो बहुत सैकड़ों नौजवान जिन्होंने अपने वतन के लिए अपना जान का नजराना पेश किया है, उनकी शहादतों को हमें उस तरह से हमें कैश नहीं करवा सके, हम दुनिया को बता नहीं सके, बाहर नहीं करवा सके। आज यहाँ पे हम जनाब जनाब सुन सा बैठते हैं जो इसका किरदार है, जो इसको टिंडी पार्टी का किरदार है, मैं उनके करूंगा कि पाकिस्तान ने इस वक्त सलामती काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान की हिमायत की और हिंदुस्तान को दो साल के लिए जो है वो जब मुंतखब किया गया तो पाकिस्तान ने भी उसकी वोट दिया उसको, और ये मैं समझता हूँ कश्मीरी इससे कश्मीरियों के अंदर दुखी बने, क्योंकि एक तरफ उसका जुल्म और जबर जो है इंतहा पे है और दूसरी तरफ अगर उनका ही रवैया, उनका ही बेईमान, उनका ही दर्द, उनके लिए दर्द करने वाला पाकिस्तान अगर जो इस किस्म की हरकत करेगा तो उनको लाजमी और मुसीबत